अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल, मैं हूं बासित शहबाज। मुल्क में जो सियासतदान हैं उनके जाविये क्या कहते हैं, आगे क्या होने जा रहा है, इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जुम्मे को पंजाब असम्बली टूटेगी, परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे नहीं होंगे, नवाज़ शरीफ कब वापस आएंगे, तमाम सवाल जो हैं हर पाकिस्तानी के जहन में इस वक्त जो हैं वो चल रहे हैं। इन तमाम सवाल पर उनके जाविये क्या कहते हैं, सितारे क्या कहते हैं, माहिर इल्म नजूम जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मामू हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम मामू, क्या इमरान खान, पहला सवाल तो जो सब पूछते हैं वो ये है कि क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, ज़ावी क्या कहते हैं? सितारों की पोजीशन, ये मैं बता चलूँ, सितारों की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर थी जिसमें इनका हुकूमत ख़त्म हुई थी, और अभी वही कर रहा है, कमज़ोरी है लेकिन वज़ीर आज़म बनने के इम्कान बहुत वाज़े हैं। हाँ, बनेगा। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं, पंजाब में जो असम्बली है वो कह रहे हैं ये सियासी सूरत हाल तो चल ही रही है, ज़ाविये और सितारे क्या कहते हैं, जुम्मे को असम्बली टूटेगी, परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे नहीं होंगे? हाँ, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बिल्कुल होंगे, और असम्बली टूटने के भी इम्कान हैं, इम्कान भी हैं, दोनों इक्वल हैं। और अच्छा मुझे ये बता दें, इमरान खान पे कोई अभी भी उनके सितारे क्या कहते हैं, कोई अंदेशा है उनके ऊपर कोई हमला हो सकता है या क्या कह रहे हैं? अभी भी है अंदेशा, उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए, सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखें, अभी काफ़ी खतरा है उनको, और ये खतरा मार्च तक रहेगा, अगर मार्च तक। अच्छा मामू ये बताइएगा, पीटीआई का मुस्तकबिल, सितारे क्या कह रहे हैं, कुछ करीबी दोस्त छोड़ के जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट से जो मामला है आर्मी से वो बेहतर होंगे, क्या कह रहे हैं? पीटीआई की पोजीशन बहुत कमज़ोर होती नज़र आ रही है मुझे, और इनमें जो इनमें जो शामिल जमात उनके अलहदगी होने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या परवेज़ इलाही छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा ये इम्कान हैं, कैसी बात बताइए, ये आपने बड़ी बात बता दी, ऐसा लगता नहीं है कि परवेज़ इलाही छोड़ के जाएंगे, लेकिन सितारे कहते हैं छोड़ के जाएंगे। अच्छा आप क्या समझते हैं खान साहब, क्योंकि मुल्क के मकबूल लीडर हैं इस वक्त, किन चीज़ों का ख्याल उनको इस वक्त रखना चाहिए? सबसे बड़ा ख्याल तो सियासत की हर चीज़ जो अपनी जान से, सबसे ज़्यादा तो उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना, जान का ख्याल रखना चाहिए, हिफाजत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अभी भी देखो, मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो, बिल्कुल ये किसका, ये उसका, ये बना पड़ा हुआ चार्ट, ये काफ़ी मजबूत जा रहे हैं, लेकिन ये मार्स जो है ना यहाँ चल रहा है, इनके नवे घर में चल रहा है, जो तरबी बना रहा है, सुकेर हमारे जबान में ऐसे कहते हैं सुकेर बनाना, ये अच्छा नहीं होता, ये डेंजरस होता है। अच्छा मामू ये बताइएगा, खान साहब के जो मुखलिस हैं उनके इर्द गिर्द जो बनते हैं या हैं, अल्लाह बेहतर जानता है इसका, लेकिन सितारे क्या कहते हैं, वो साथ रहेंगे कि कोई धोखा हो सकता है? धोखा तो बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूँ, जो उनके साथ रहने वाले हैं बहुत देर इनके साथ रह नहीं सकती, क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ तबाह का आदमी है इमरान खान। हाँ इमरान, और ये इसके साथ चलना बहुत बड़े जान जोखों का काम है, मुश्किल काम है, इसके साथ चलना हर आदमी नहीं चल सकता, और तो इतने आदमी कहाँ से लाए, जो ठीक है, बड़ा मुश्किल है इनके साथ चलना। अच्छा मामू थोड़ा सा ये भी बताइएगा मुझे कि अब नून लीग का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, पीपल पार्टी, वो तो कहते हैं जी अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा पीपल पार्टी वाले। नहीं, बिलावल भुट्टो का अब सवाल ही नहीं पैदा होता, और नून लीग का भी अभी कोई मुस्तकबिल नहीं है, अभी नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ के आने से कुछ बेहतरी आएगी? हाँ बेहतर तो आ रही है उनके यहाँ, आएगी भी, लेकिन वो ये एकदम वज़ीर आज़म वज़ीर, ये कहानी अभी बहुत दूर है। अच्छा पीएमएलएन बहुत दूर है वज़ीर आला तक किसी। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुल्क की सियासत के ऊपर अगर आप बात करें तो इस टाइम अगर आप हिसाब लगाएं तो सबसे अरूज का सितारा किसका? हाँ इसमें सबसे ज़्यादा अरूज का सितारा इस वक्त जो है वज़ीर आला का, आपके ये जो परवेज़ इलाही, हाँ इनका सितार मजबूत है, गो वो हमें लिफ्ट नहीं कराते ये दूसरी बात है, लेकिन उनका सितारा काफ़ी मजबूत है, हाँ काफ़ी मजबूत है। अच्छा मुझे बताएं मामू, आपके हिसाब से जो परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं मोनस इलाही साहब, वो इमरान खान के साथ कितनी देर तक चल सकेंगे, सितारे क्या कहते हैं? वो मोनस इलाही वो और तबाह आदमी, वो चल सकते हैं, काफ़ी देर चल सकते हैं, इमरान खान। हाँ
चौधरी के खानदान में, चौधरियों के खानदान में फूट पड़ी हुई है, ये ख़त्म हो सकेगी कि नहीं चौधरी शुजात के साथ? ये मुश्किल है, ये नहीं ख़त्म होगी। अच्छा, यहाँ ये कोई नुकसान करके ख़त्म होगी, ऐसा नहीं होगी ख़त्म, नुकसान करके। जी हाँ। अच्छा मामू, आखिरी आप ये देखें, कल परसों इसी इरादे से परवेज़ रहे, मेरे बहुत पुराने वाकिफ़ हैं, वो उन कुछ बातें समझा दूँ, और उन्हीं के मुफाद में मेरा तो कोई काम नहीं, मैं इसलिए रात को टाइम निकल गया यार, मैंने समझाने के, दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है, मैं गया हूँ, दो घंटे मगर मार के आ गया वहाँ से, उनका मुलाकात उनके अजीब व गरीब है, इन सियासतदानी का मुफाद में भी काम करो वो भी नहीं होने देते हैं, मैं इसी नौकरी दे सकता हूँ, इनके दरवाजे पर खड़ा रहा हूँ, मैंने कहा देखो करूँ नहीं जो ये। अच्छा मामू, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए, जावियों के हिसाब से, इस मुल्क के लिए कौन सा लीडर, कौन सी जमात बेहतर है बाकी जमातों से? क्या पाकिस्तान के लिए ऐसे? पाकिस्तान के लिए देखें, बात ये है, ये सिवाय इस वक्त नून लीग के, नून लीग में तो मुझे तो एक आदमी भी, मैं नून लीग या नहीं हूँ, लेकिन शख्सियात को पढ़ते हैं, उन्हें देखते हैं, उनमें कोई एक आदमी ऐसे नहीं, सारे टक्करबाज लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उससे मुल्क को बचाना है, तो वो तो नहीं है। बहरहाल ये जो है आपकी इमरान खान क्या है, पीटीआई और चौधरी की पार्टी, ये मिलकर काफ़ी बेहतर हो जाएगी, हाँ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मामू आपकी कीमती वक्त का, आप अपने जावियों के लिहाज से जो है मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी आपके पास जितना इलम है आप वो बता रहे थे। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।